नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के मीठड़ी से है, जहां कस्बे में गुरुवार को अंबेडकर जयंती पर झंडा रैली का शानदार आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में मेघवाल मोहल्ले में भीम सेना मीठड़ी ने देर शाम स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। महावीर मेघवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात अंबेडकर जयंती पर बाबा साहब के 131वें जन्मदिन पर केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। स्वागत समारोह में मुख्य अतिथि विकास समिति अध्यक्ष ठाकुर वीरेंद्र सिंह मीठड़ी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महावीर योगी भामासा, हेमाराम खटीक, आईटी प्रभारी धनेश दादीज का माला व सांपा पहनाकर स्वागत किया गया। मंच से सेवानिवृत्त वरिष्ठ शिक्षक बनाराम ने बताया कि इस कार्यक्रम से ये सीख अवश्य ले, परिस्थिति कैसी भी हो डटकर मुकाबला करो, निश्चित तुम्हारा भविष्य उज्जवल ही होगा। शिक्षित बनकर देश, समाज व परिवार का नाम रोशन करना ही बाबा साहब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है। विकास समिति अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि भीम सेना कमेटी को एक निश्चित समय पर मीटिंग का आयोजन करें, अपनी जन समस्याओं को जनप्रतिनिधियों व अन्य प्रतिष्ठित जनों को अवगत कराएं व परामर्श लें, यही आपका उन्नति का दरवाजा खोलेगी। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता, ग्रामीण व मातृशक्ति मौजूद थी। इसी तरह रेगर मोहल्ले में भी सामुदायिक भवन में बाबा साहब की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान चीतरमल, धर्माराम, मदनलाल, रमेश कुमार, जयराम सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मीठड़ी से श्याम सुंदर प्रजापत की विशेष रिपोर्ट।